खरगोन में नगरपालिका सीएमओ द्वारा सफाई कर्मचारियों के 7 दिन के वेतन काटने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, खरगोन ड्रेजिंग ग्राउंड में कार्यरत ठेकेदार की लापरवाही के कारण नगरपालिका सीएमओ द्वारा ठेकेदार का 7 दिन का वेतन काट लिया। वहीं ठेकेदार ने समस्त 22 कर्मचारियों का वेतन काट लिया, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, जबकि ठेकेदार की समझाइश के बाद पुनः काम शुरू करवाया। इस दौरान ठेकेदार ने बताया कि कर्मचारियों का जो वेतन काटा है, मीटिंग लेकर वेतन पुनः उनके अकाउंट में डाल दूंगा। कर्मचारियों ने बताया, ट्रेचिंग ग्राउंड में 20 दिन पहले एक खेत में आग लगी थी, उसकी चिंगारी से खेतों में आग लग गई है। खरगोन से संवाददाता जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तनख्वा कितनी है रोज की काटी है? 7 दिन की काटी है। तो क्यों काटी? पता नहीं, वो ठेकेदार की काटी तो उन्होंने हमारी काटी। तो काम काट नहीं रहे थे आप? काम तो कर रहे थे। कितने काटी आपके तनख्वा? ठेकेदार जी ने। ठेकेदार जी बात करेंगे उनसे। कितने कर्मचारी हैं आप यहाँ पर? जो टोटल 22 कर्मचारी। 22 हैं, तभी की काट दी थी? मतलब डेली आ रहे थे आप? क्या नाम है आपका? रणजीत पंड्या। हैं? रणजीत पंड्या। क्या काम करते हैं? तो मशीन पे काम करते हैं। कितने कितने दिन की? कायदा 3000 खाली होगा, एक मोबाइल में आया खाली। 5000 मिलते हैं भैया। एक मिनट, 3000 रुपये मिली? कितनी मिलती है तनख्वाह? कितनी तनख्वाह? 5000 मिले अपनी थी, हमको 2 महीना मिल गए। 2 महीने में 3000 रुपये दिए? बाकी पैसा? हाँ, वो काय मान लो। क्या बोल रहे मैडम? अब हम तो मैडम आई नहीं आ गया। ठेकेदार क्या बोल रहे? ठेकेदार कह के डली जाएगा, कब डली जाएगा? मन कहते 2 महीने हो गए। हाँ, ये तो अभी 5-6 दिन ये तारीख आई रहती है, 2 महीना भी जाएगा। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम कड़ी कड़ी। क्या काम क्या करते हो? ये हम कचरा पछे, हरा कचरा अभी तुम्हारा हाथ लेता है। आप डेली आते हो? हाँ। कि टंका कैसे काट गई? अब काय मालूम काय, हमका काय, हम मोबाइल पर डले आते, हमने कही हो ग्राउंड पे। मशीन पे हो? कितने कर्मचारी हैं यहाँ? फिर भी एक अंदाजन कितने होंगे? फिर 22 है। भैया को पूछ लो, रंजीत भैया से। तनख्वाह मिल रही बराबर? हाँ, तनख्वाह 1.5 महीना में डलाती है। 1.5 महीने में? 1.5 महीने में मतलब 1.5 महीना ज्यादा, 5000 डलाती है। अच्छा, अभी कितनी काटी तनख्वाह आपकी? अभी तो हमने तो अभी कोई जानकारी निकाय नहीं, मतलब खाता में गए नहीं, बोल रहे तो कभी मतलब 7-7 दिन के कटे, अभी तो हम गए नहीं। तो आप काम पे रोज नहीं आते हो क्या? 7 दिन की तनख्वाह क्यों कटी? ये बोल रहा थी इधर खेत में कहते आग लगी, एक वजह से कटिया, तो हमको कहीं मालूम। तो आग आप लोगों ने लगी थी? नहीं लगी, हम तो काम अलग अलग करते, सब भैया उन भी अलग अलग काम करते। मतलब टेंशन ग्राउंड में आग लगी, उसके कारण यहाँ के सभी कर्मचारियों की तनख्वाह काट रहा था। नगर पालिका बोल रहे थी तनख्वाह कटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभद्रा छेटी। क्या काम करते हैं? मशीन पर मतलब पन्नी कबाड़ो नाल ये चलते। 24 कर्मचारी इन लोगों का 7 दिन का वेतन काटा गया टेंशन ग्राउंड का। इसका इस प्रकार से मान रहा है कि विगत कुछ दिनों में यहाँ पे सीएमओ नगर पालिका खरगोन के अधिकारियों द्वारा यहाँ पे निरंतर विजिट की जाती है, जिससे हमारे जो 24 कर्मचारी है इनके कुछ कार्य के अंदर कुछ कमी पाई गई थी, जिसमें हमारे कर्मचारियों से कुछ कार्य में कमी पाई गई, जिससे मैडम का कुछ नाराज़गी रही थी। 2-3 लेटर देने के बाद मैडम का ये कहना हुआ कि एक प्रशासनिक नियम अनुसार उन्होंने 7 दिन का हमारा वेतन कटौती किया था। चूँकि हमारे कर्मचारी हैं तो हम भी इनके साथ हमेशा निरंतर समंजस बना के कार्य करते हैं, पर अगर कभी कभी समय पर हमारा कटौतरा होता है तो हम इनका 7 दिन का कटौतरा कराया है, जिससे कि आगामी समय में अगर इस प्रकार से कार्य में अगर लापरवाही अगर ये करते हैं तो उससे जिस प्रकार से हम सीएमओ को फेस करते हैं, मैडम को फेस करते हैं, तो इन लोगों को भी इस प्रकार की जानकारी रहे कि अगर हमें कार्य में अगर कुछ कमी पाई जाती है तो हमारे कंपनी का कुछ पैसा कटता है, जिससे कि सभी का पैसा कटता है। कुछ क्लियर करना चाहेंगे किस तरीके की मतलब नुकसान या किस तरीके की कार्रवाई? जैसे कि सबसे जिस प्रकार हम बताया कि जो कचरा गाड़ी यहाँ पर आती है, कुछ कचरा गाड़ी आती है जो मिक्स कलेक्शन लाती है, और मिक्स कलेक्शन लाती है तो उसको पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उसको यहाँ पे जाके प्रॉपर सेग्रीगेट कर पाए, क्योंकि वो डोर टू डोर कलेक्शन से ही सेग्रीगेशन आना चाहिए। परंतु यहाँ पे जब मिक्स होके आती है तो उसको यहाँ पे जितना हो सकता है मेन पावर की पद्धति और मशीनों के माध्यम से तो उसको कर लेते हैं, पर जो बच जाता है उसके कारण हमको उसका कटौतरा किया गया था। कर्मचारियों का ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ टेंशन ग्राउंड में आग लगी थी, वो किसी दूसरे खेत में आग लगी,
उसकी वसूली के लिए हमारी 7 दिन का वेतन उड़ाया गया है? नहीं नहीं, उसके कारण नहीं उड़ाया। हम लोग डेली आते हैं। नहीं, ये गलत बात है, उसके कारण नहीं उड़ाया। नहीं, वो तो डेली आते हैं काम करने, तनखा कटने का सवाल ही नहीं। देखिए, ऐसा है, कर्मचारियों का आरोप लगाना उनके समय तक होता है, पर अगर हम उसका स्पष्टीकरण आपको दे रहे हैं तो ये भी सही है, इसको भी आप मान्य कर सकते हैं। और रही बात 7 दिन के कटोतरा का, तो हमने इनका कटोतरा काटा है, पर यह स्पष्ट रूप से नहीं है कि 7 दिन का इनका काट ही लिया गया है। काटने के बाद हमारी आज इनसे मीटिंग है, और मीटिंग होने के बाद में जो भी इनको हिदायत दी जाएगी, एक अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप आगामी प्रकार से इस प्रकार से कुछ दुर्घटना ना हो, और इनका 7 दिन का वेतन इनको वापस भी कर दिया जाएगा। पर हम एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम ये चाहते हैं कि इनकी एक मीटिंग रखने से पूर्व हमने 7 दिन का वेतन काटा है, और मीटिंग रखने के बाद इन लोगों से एक स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि आगामी इस प्रकार से कुछ भी सूखा गिला वगैरह मिक्स ना हो, और उसके बाद इनका जो वेतन 7 दिन का काटा गया है वापस पूर्वावन दे दिया जाएगा। मेरा नाम मोहित यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।